जितनी तेजी से सिलगेर में आंदोलनरत आदिवासियों की मांग की बात उठी थी, उनको इंसाफ दिलाने की मांग चारों तरफ से उठी थी, भले ही आज उन आदिवासियों को हक दिलाने की आवाज उठाने वाले लोगों की मांग ठंडी पड़ गई हो, लेकिन 100 दिन बीत जाने के बाद आज भी सिलगेर आदिवासियों के आक्रोश की आग नहीं बुझी है और अपने हक के लिए आज भी आदिवासी तपती धूप और बरसते पानी में बैठकर अपनी मांगों पर सीएम भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया का इंतजार करते बैठने को मजबूर हैं। लेकिन इन आदिवासियों की सुधी लेने की किसी को भी फुर्सत नहीं है। एक तरफ सीएम भूपेश बघेल स्वयं को आदिवासियों का हितैषी कहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके ही राज में आदिवासियों को न्याय की अपनी मांगों के लिए आंदोलनरत होना पड़ा है। अब कहीं ऐसा ना हो कि सरकार की इस अनदेखी का असर मुख्यमंत्री के 2.5 साल वाले फार्मूले पर भी पड़े, क्योंकि वैसे भी अभी छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के मुख्यमंत्री बनने वाले फार्मूले का मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसके चलते जय और वीरू के समर्थकों की भीड़ आमने सामने आ गई है। ऐसे में अगर प्रदेश के आदिवासी एकजुट होकर वसिलगेर जैसे गंभीर मुद्दे में भी सीएम भूपेश बघेल का सुस्त रवैया देखते हुए कहीं टीएस बाबा को अपना समर्थन देने का मन बना लेते हैं, तो 100 दिनों से आंदोलनरत इन आदिवासियों के आक्रोश का खामियाजा भूपेश बघेल के 2.5 साल के सत्ता पर भारी पड़ सकता है। बहरहाल जिन विकास कार्यों को लेकर पार्टी आलाकमान बाकी राज्यों को छोड़कर छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों पर ज़्यादा रुचि ले रही है, वहीं से प्रभावित होकर स्वयं राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं और जिन्होंने बस्तर में रुकने की अपनी मंशा जताई है। क्या बस्तर के उन आंदोलनरत आदिवासियों की पुकार राहुल गांधी तक शासन प्रशासन के लोग पहुँचने देंगे? क्या आदिवासियों की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर राहुल गांधी कोई कड़ा फैसला लेंगे? यह देखने वाली बात होगी।